प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर पहुंची, हिंसा में मारे गए शख्स के परिजनों से कर रही हैं मुलाकात। 20 दिसंबर को मुजफ्फरनगर में सीए पर भड़की हिंसा में गई थी नूरा नाम के शख्स की जान, प्रियंका ने परिजनों को लगाया मुलाकात का मरहम। घर के भीतर जाकर प्रियंका गांधी ने पीड़ितों से की मुलाकात, बाहर दिखा सुरक्षा का सख्त पहरा। कांग्रेस ने प्रियंका को बताया गंगा की बेटी, प्रयागराज में लगे पोस्टर पर लिखा यूपी को बचाने आई गंगा की बेटी। देश के खस्ता हाल अर्थव्यवस्था पर सीएम अशोक गहलोत का बयान, मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं, मनमोहन सरकार की नीतियों से ले सबक, कहा ये सलाह मैं ही नहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पति भी दे रहे हैं। कोटा के जेके रोहन अस्पताल में शुक्रवार को भी दो बच्चों ने गवाई जान, अब तक 106 की मौत, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने अस्पताल की लापरवाही मानी, करेंगे कार्रवाई। कोटा के जेके रोहन अस्पताल में 106 बच्चों की मौत पर छिड़ा है सियासी घमासान, लेकिन राजस्थान सरकार की आंखें खोलने के लिए सीएम को चाहिए मीडिया और विपक्ष की नजर। विपक्षी पार्टी में लोग जाएं, मीडिया वाले जाएं, कमियां बताएं, हम दूर करेंगे। राजस्थान के कोटा के बाद अब बूंदी में सामने आया बच्चों की मौत का मामला, एक महीने में 10 बच्चों की गई जान। कोटा में बच्चों की मौत के मामले में एनएचआरसी का राजस्थान सरकार को नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। कोटा में अस्पताल में बच्चों की मौत को लेकर गहलोत सरकार से खफा है सोनिया गांधी के घर हो रही बैठक। कोटा मामले में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे सोनिया गांधी को सौंपेंगे रिपोर्ट। अस्पताल में 107 मासूमों की मौत के बाद कोटा पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पीड़ित परिजनों से कर रहे मुलाकात। महाराष्ट्र में मंत्रालय के बंटवारे से पहले शिवसेना विधायक और राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार खफा, इस्तीफे के पेशकश की खबर, कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज। शिवसेना विधायक अब्दुल सत्तार ने पार्टी सेक्रेटरी को इस्तीफा भेजने की जानकारी दी, सीएम ऑफिस ने इस्तीफा नहीं मिलने का दिया हवाला। सीए के विरोधियों को बेल्लारी के बीजेपी विधायक सोमशेखर रेड्डी की धमकी, कहा विरोधी ये याद रखें कि हम 80% हैं और वो 17%। कांग्रेस का पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला, कहा देश में बनाए हैं 1947 जैसे हालात। हाजीपुर में नागरिकता कानून के समर्थन में उतरे लोग, ढोल मृदंग और तिरंगा के साथ निकाला जुलूस। इटावा पहुंचे एडीजी प्रेम प्रकाश शिष्टाचार की, जुटा रहे पुख्ता जानकारी, घर घर जाकर की पूछताछ, थाने में खंगाले रिकॉर्ड, सीए विरोध के बीच शांतिपूर्ण माहौल में एसएसपी को दी बधाई। बेंगलुरु में नागरिकता कानून का विरोध जारी, धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सिखों पर अत्याचार की नई तस्वीर आई सामने, सैकड़ों लोगों ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर किया पथराव। हमलावरों ने ननकाना साहिब का नाम बदलने की दी धमकी, कई घंटों के उपद्रव के बाद भी तनाव बरकरार। बदला लेने के लिए आरोपी मुस्लिम युवक ने सैकड़ों लोगों के साथ किया पथराव, कहा किसी भी सिख को ननकाना साहिब में नहीं रहने देंगे। ननकाना साहिब गुरुद्वारा और सिखों पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा, विदेश मंत्रालय ने तुरंत सिखों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। दुनिया भर में फजीहत से बचने के लिए पाकिस्तान की नई चाल, सिखों पर हमले को किया खारिज, कहा दो मुस्लिम ग्रुप में हुई थी झड़प। संबित पात्रा ने किया ट्वीट, ननकाना साहिब में एक भी सिख ना रहने देना, इस्लाम के नाम पे ये धमकी दी जा रही थी पाकिस्तान में हमारे सिख भाइयों को। संबित पात्रा ने ट्वीट में कांग्रेस और राहुल प्रियंका से किया सवाल, क्या पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर और सबूत चाहिए। श्रीनगर पुलिस ने एक जिंदा आतंकी निसार अहमदार को किया गिरफ्तार, सुरक्षा बल और पुलिस की साझा कार्रवाई। वाराणसी में दो कारों में आमने सामने की टक्कर, हादसे के फौरन बाद एक कार शोरूम में तब्दील। बैतूल में आपत्तिजनक कमेंट पर लड़की के विरोध से आरोपी ने मारा चाकू, पुलिस ने दर्ज किया केस। बगदाद में अमेरिका ने फिर किया हवाई हमला, 6 लोगों के मारे जाने की खबर, ताजी रोड इलाके में किया गया हमला। ईरान अमेरिका में बड़े तनाव को लेकर बोले ट्रंप, ईरानी जनरल सुलेमानी की हत्या युद्ध खत्म करने के लिए की गई, युद्ध शुरू करने के लिए नहीं। अपने कमांडर के मारे जाने से बौखलाया ईरान, कहा अमेरिका से लेंगे बदला।
अमेरिका ने जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ाई सुरक्षा और 3,500 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती। बढ़ते तनाव से तेल के दामों में इजाफा। सुलेमानी के मारे जाने पर इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन। अमेरिका के खिलाफ किनारेबाजी। अमेरिका ने दूतावास स्टाफ को दी हिदायत, बेवजह यात्रा से बचे। सीए पर दिए गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर शिवसेना का पलटवार। कहा, लोगों को पत्थर मारने और गोलियां खाने में आनंद नहीं आता, सरकार दूर करे भ्रम। हिंदू और मुसलमानों की नहीं है बात, देश की एकता की है। इस देश में जिस प्रकार से कंफ्यूजन है, भ्रम पैदा हो गया है, तो उसे बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। केरल के वायनाड में नागरिकता कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, टॉर्च जलाकर जताया विरोध। कर्नाटक के टुमकुर में दर्दनाक हादसा। बस और कार की टक्कर के बाद कार में लगी आग, 3 लोग जिंदा जले।